Hey everyone, welcome back to my channel Margie 9. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घर में ही क्रिसमस ट्री के लिए ऑर्नामेंट्स कैसे रेडी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पॉप्सिकल स्टिक्स, आपको कलरफुल स्टिक्स भी मिल जाएगी या फिर आप इस तरह से घर पे ही इसको पेंट कर सकते। सबसे पहले स्टिक्स को इस तरह से अरेंज कर ले और उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। इसको हम छोटे से क्रिसमस ट्री का शेप देने वाले हैं, तो इस तरह से हम इसको कट करते जाएंगे। कट करने के बाद हम इसको ग्लू की हेल्प से स्टिक करते जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर्स लिए हैं, आप यहाँ पर चॉक पेंट का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 सेट्स लिए हैं, आप सिंगल सेट का भी यूज कर सकते हो। कलर को दोनों साइड्स अप्लाई करना है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टोन्स लिए हैं और स्टोन्स को स्टिक कर देंगे इसके ऊपर। अगर आपके पास स्टोन्स नहीं है तो आप यहाँ पर पर्ल्स का भी यूज कर सकते हो या फिर सिंपली पोल्का डॉट्स बना दीजिए अगर आपको स्टिक नहीं करना है तो। ग्लिटर शीट में से स्टार को कट कर लें। अब जो व्हाइट पेपर है उसको निकाल देंगे और स्टिक कर देंगे क्रिसमस ट्री जो हमने रेडी किया है उसके ऊपर। अगर आपके पास इस तरह की स्टिकी ग्लिटर शीट नहीं है तो आप जो सिंपल शीट आती है उसका भी यूज कर सकते हो और बाद में ग्लू से स्टिक कर सकते हो। अब बैक साइड इस तरह से थ्रेड को स्टिक कर देंगे और यहाँ पर मैंने जो हमने ट्री रेडी किया है उसको मैच करता हुआ थ्रेड स्टिक कर दिया है। थ्रेड को स्टिक करने के बाद एक बार मैंने पेपर यहाँ पर स्टिक कर दिया है और पेपर के ऊपर ब्लू कलर अप्लाई कर दिया है ताकि ये हाइड हो जाए। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर इस तरह से कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं और यहाँ पर मैंने स्टार ड्रॉ कर लिया है और उसको कट कर लेंगे। ये जो मैंने वूल थ्रेड लिया है उसको हम रैप कर देंगे स्टार के ऊपर। तो सबसे पहले ग्लू अप्लाई कर दे और उसके बाद रैप कर देते हैं थ्रेड को। ओके, अब इसको ऐसे ही रख सकते हो या फिर थोड़ा सा और डेकोरेट कर दे। मैंने यहाँ पर ग्लिटर ली है। सबसे पहले मैंने ग्लू में थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है और इसकी हेल्प से ग्लिटर को स्टार के ऊपर स्टिक कर देंगे।
अब यहाँ पर भी बैक साइड हम थ्रेड को स्टिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर इस कार्डबोर्ड को कट कर लेंगे। इसके ऊपर ग्लू की हेल्प से पेपर को स्टिक कर देंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप कोई भी न्यूज़पेपर का पीस ले लीजिए या फिर आपके पास कोई पुरानी बुक्स हो तो उसमें से थोड़ा सा पेपर कट करके यहाँ पर स्टिक करना है। इसको कम्प्लीटली कवर नहीं करना है, जो साइड्स है उसको खाली रखें। अब यहाँ पर जो खाली स्पेस है वहाँ पर अप्लाई कर देंगे कलर। मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। इसके बैक साइड भी कलर अप्लाई करना है। अब जो हमने सेंटर में पेपर का पीस जो स्टिक किया था वहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है मेरी क्रिसमस। अब लास्ट में हम पोल्का डॉट्स बना देंगे और बैक साइड थ्रेड को स्टिक कर देंगे। यहाँ पर भी मैंने थ्रेड के ऊपर पेपर स्टिक कर दिया है और उसके ऊपर कलर अप्लाई कर दिया है ताकि जो हमारा पेपर है वाइट वो हाइड हो जाए। ऑलराइट, ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप कुछ कैसा रिक्रिएट करते हो तो मेरा साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।